एवरीवन, नमस्ते। राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सो आज मैं जो हूँ ट्रेवलिंग कर रही हूँ जयपुर टू आगरा, अपने आशियाने में जा रही हूँ, अपने घर लौट रही हूँ। मायके से है ना ससुराल जाना, वापस अपने घर जाना थोड़ा सा पेनफुल तो होता है, लेकिन घर तो जाना ही है। हम बेटियों का भी है ना कुछ ऐसा ही है नसीब की है ना, जब बेटियाँ मायके से जब ससुराल जाती है तब भी दुख होता है, और ससुराल से अपने हस्बैंड को और अपने घर परिवार को छोड़कर जाती है तभी भी दुख होता है। तो यहाँ पर ना बस मैं और मेरा भाई जा रहा है साथ में छोड़ने, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं आए लेने के लिए इस बार, क्योंकि लास्ट बार भी नहीं आए थे, तो लास्ट बार का तो मुझे नहीं ध्यान है क्यों नहीं आए थे। हाँ, हमारे काम चल रहा था घर का, तो कंस्ट्रक्शन का, इसलिए नहीं आए थे। और इस बार इसलिए नहीं आए क्योंकि पापा की ना आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, तो वो नहीं आए थे लेने के लिए। तो भाई ही छोड़ने जा रहा है, और इस बार की छुट्टियां कुछ इस तरह से ही बीती कि जाते के साथ में ही दांतों का मैंने वो करा लिया था, और अच्छा हुआ जाते के साथ में ही करा लिया, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब वो दवाइयाँ इतनी हैवी होती थी कि चक्कर आना, और मैं क्या क्या बताऊँ कि बहुत ही ज़्यादा हैवी थी। वैसे ना जो दाड़ निकलवाते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, सुन करके निकालते हैं और हैवी दवाइयाँ दे देते हैं जिससे दर्द नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ में क्या हुआ कि मेरा 2 साल से मुँह बंद था ना, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई कि है ना मेरा मुँह नहीं खुला, जिसकी वजह से वो पूरा यहाँ से कट गया था। और अभी घर आए तो मैं न हस्बैंड जी कचौड़ी और ये लेकर के आ गए थे, तो वही मैंने नाश्ते में लगा दिया था भाई को। और यहाँ पे शाम के टाइम में सब्जियाँ मंगा ली थी मैंने, क्योंकि जब मैं गई थी तो सारी सब्जियाँ वगैरह सब कुछ ख़त्म करके ही गई थी, क्योंकि फिर ख़राब हो जाती 15 दिन में, तो मैं नीचे ही है ना सब सामान दे करके चली गई थी जो भी बचा था, और जितना हो सका था मैंने ख़त्म करके फिर ही गई थी। मैंने मंगाना ही बंद कर दिया था 2-3 दिन पहले से ही। तो यहाँ पे ना अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, शाम हो गई है, तो शाम के टाइम में मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, एक तो शाही पनीर बना लूँगी और दूसरा एक कटहल बना लूँगी। तो यहाँ पे शाही पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने ना यहाँ पे प्याज को पीस लिया है और कढ़ाई भी चढ़ा दी है। सुबह के टाइम में तो क्या हुआ ना कि नीचे मम्मी ने बुला लिया था भाई को कि ना नीचे ही खाना खा लेंगे। वैसे मैं ना पूड़ी है और भिंडी की सब्ज़ी और करेले वगैरह है ना बना करके लेकर के आई थी खाने के लिए, लेकिन फिर मम्मी ने नीचे बुला लिया तो फिर वो नीचे खाने चला गया था। तो अभी है ना मुझे अपने लिए तो नहीं सेकनी है रोटी वगैरह, लेकिन हस्बैंड जी के लिए और भाई के लिए तो मैं सेकूंगी। और जब है ना छोड़ कर के आते हैं ना मायके को तो बहुत दुख होता है अपने ना मम्मी पापा को, भाई वगैरह भतीजे भाभी वगैरह इन सबको छोड़ के आओ तो बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर है ना अभी आई हूँ ना तो बहुत ऐसे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे छूट गया है, खाली खाली सा, मतलब मन बहुत उदास उदास सा हो रहा है। तो यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ, प्याज पीस लिया था, उसके बाद में मैं यहाँ पे ना टमाटर भी पीस ले रही हूँ, प्याज को भूनने के लिए रख दिया है, मैंने तेल डाल दिया था, उसके अंदर मैंने जीरा डाला है और बड़ी इलायची होती है वो, तेज़पत्ता, दालचीनी और बस ये सारी चीज़ें डाल करके, और फिर मैंने प्याज डाल दिया था। और मैं यहाँ टमाटर पीसने के लिए चली गई हूँ। तो कहते हैं ना कोई भी टाइम कोई भी काम करो तो पूरे ध्यान के साथ में करना चाहिए, लेकिन हम हाउसवाइफ के लिए ये रूल भी है ना नहीं फॉलो होता, क्योंकि अगर एक ही जगह पे ध्यान देते रहे ना तो बस हो गया। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जैसे प्याज भून रहे तो इतनी देर में मैंने टमाटर पीस लिए, यहाँ पे सारे सामान की उठाई धराई वगैरह जो भी करनी थी वो कर ली। अगर धीरे धीरे काम करने बैठो ना तो बस सुबह से शाम ही हो जाए, इसलिए मल्टीटास्किंग होकर ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मैंने सारा सामान जो भी था इधर उधर पड़ा था वो सारा सामान मैंने रख दिया है जगह पे, और उसके बाद में यहाँ पे दूध भी आ गया था तो दूध को भी मैं छान ले रही हूँ, गर्म कर ले रही हूँ। शाम को चाय बनाई थी तो चलनी वगैरह वहीं पर ही, सुस्ती सुस्ती हो रही थी खूब। अभी है ना भाई नीचे गया हुआ है एक्चुअली हस्बैंड जी की शॉप में, वहीं पर ही थोड़ी बहुत देर खड़ा हो जाएगा, देवर वगैरह की शॉप है वहाँ पर खड़ा हो जाता है तो टाइम भी पास हो जाता है, नहीं तो उसका बिल्कुल भी यहाँ पे मन नहीं लगता, उसको जाने की लगी रहती है, आते के साथ में बोलता है जाऊँ जाऊँ, मैंने बोला रुक जा। तो यहाँ पर मेरे प्याज जो है वो भून लिए हैं अच्छे से मैंने, और साथ ही है ना जो भी इसके अंदर लगा हुआ था वो सब मैं ना एक मतलब छुड़ा ले रही हूँ मिक्सी के जार में से, और इकट्ठा कर ले रही हूँ। जो पानी डालूंगी ना उस टाइम पे डालूंगी, इस टाइम पे नहीं डालेंगे नहीं तो फिर भुनाई होती है ना वो नहीं हो पाती अच्छे से। और जो जब भी हम ऐसी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना या कोई भी सब्ज़ी बनाओ तो उसमें जो भुनाई होती है ना वो मेन है ना रोल प्ले करती है। तो यहाँ मैं दूध का भी ध्यान देती जा रही हूँ, और साथ में ना यहाँ पर जो प्याज है वो भी मेरे भुन गए, तो उसके बाद में मैं इसके अंदर बस टमाटर ऐड कर दूँगी और फिर उसके बाद में सारे मसाले ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं यहाँ पर ना
एक कटहल की सब्जी भी बना ले रही हूँ, तो वो ही मैं यहाँ पे काटने लग गई थी ना सब्जी बनाते बनाते के साथ में, कि खड़े खड़े चलो भूनते भूनते ये भी कट जाएगी। तो यहाँ पे मेरी जब शाही पनीर की सब्जी बन गई तो फिर मैंने यहाँ पे कटहल की सब्जी के लिए भी कढ़ाई को चढ़ा दिया है और वही तेल डाल दिया है। उसके बाद में हींग जीरा डाल दूँगी और फिर उसके बाद में प्याज डालूँगी। यहाँ पर मैंने देखी कटहल भी काट ली है, प्याज भी कट करके रख ली है और अरबी भी निकाल ली है, क्योंकि कल से ना हर्षित को स्कूल भी जाना है, तो सुबह के लिए भी तैयारी करके रखूँगी। क्योंकि जब हर्षित स्कूल जाता है ना तो रात के टाइम में ही सब्ज़ी वगैरह सोचना काटना ये सब कुछ करके रखती हूँ, क्योंकि फिर सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे मैंने ना तेल के अंदर प्याज डाल दिया है, प्याज डालने के बाद में इसको भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बस थोड़ी सी किनोरी ना रेड रेड हो जाए इतना, फिर उसके बाद में मसाले ऐड कर दूँगी। और कटहल की सब्ज़ी ना प्याज डाल के ही अच्छी लगती है, हम लोगों को बिना प्याज की नहीं अच्छी लगती है। और अब तो वैसे भी लड्डू गोपाल जी आ गए हैं घर में, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो मैं डेली ही भोग लगाती थी और ध्यान भी देती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा अंदर से डर लग रहा है कि मैं कैसे क्या करूँगी। तो जैसे घर में छोटा बच्चा जाता है तो थोड़ा डर सा लगता ही ना, सेम वैसे ही। तो यहाँ पे देखिए मैंने कटहल भी डाल दिया है और मसाले डाल दिए थे, उसके बाद में कटहल डाल दिया है। मैंने कोई भी वीडियो आगे कहाँ ना कंटिन्यू करी नहीं थी, यानी प्लेट वगैरह लगाते हुए या कुछ भी, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी वहाँ से आई। तो चाहे रेल में बस बैठे ही रहते हैं लेकिन ना फिर भी पता नहीं क्यों बैठे बैठे थकान सी हो ही जाती है, और मन भी ना ऐसे उदास उदास सा रहता है आते हैं ना, तो पता नहीं कुछ मुझे तो होता है ऐसे, क्या ही बोलूँ। तो मम्मी पापा को छोड़ते समय दुख होता ही है, तो ये वाली फीलिंग तो हर बेटी समझ सकती है जो अपने ससुराल जाती है। अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कोई भी कमेंट है कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ना अरबी भी धो करके और बॉयल करने के लिए रख दे रही हूँ, तो अगर ना जैसे सुबह के टाइम में अगर मेरे को टाइम रहेगा तो मैं ये अरबी की सब्ज़ी बना दूँगी, सूखी जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने अरबी चढ़ा दी और यहाँ पे मेरी कटहल की सब्ज़ी भी बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।